मैं गमिनार आज आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ का लेसन 11 अर्थ सन एंड मून कराने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम हमारे नोट्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। शुरू करते हैं लेसन 11 अर्थ सन एंड मून। सोलर सिस्टम, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन और सेलेस्टियल बॉडीज जो उसके आजू बाजू घूमती है वो सोलर सिस्टम फॉर्म करती है। अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेट्स देयर आर आल्सो कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट ऑफ वेरियस प्लैनेट एंड ड्वार्फ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स के सिवा उधर कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स वो भी अलग अलग प्लैनेट की, और ड्वार्फ प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम में। और सैटेलाइट इन द सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट अ प्लैनेट। एक सैटेलाइट जो सेलेस्टियल बॉडी की होती है वो ऑर्बिट अ प्लैनेट में होती है। ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। सारे प्लैनेट सन के आजू बाजू घूमते हैं उनकी फिक्स पाथ में, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन द एट प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मतलब सन के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो प्लैनेट्स है, एट प्लैनेट्स, वो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। प्लूटो विच वॉज अर्लियर कंसिडर्ड अ प्लैनेट वॉज प्लेस्ड इन ए सेपार्ट कैटेगरी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। मतलब प्लूटो जो पहले एक प्लैनेट कंसिडर करते थे वो अभी सेपरेट कैटेगरी में आ गए हैं, जिसको ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। बाय डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम बाय द वापस उसको प्लूटो को वापस प्लैनेट में कंसिडर कर दिया है। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ ए सोलर सिस्टम। नीचे आपको डायग्राम दिया है सोलर सिस्टम का। इन रियलिटी द प्लैनेट्स आर मच मोर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब रियलिटी में प्लैनेट्स एक दूसरे से बहुत डिस्टेंट में है। दिस डायग्राम सिंपली गिव अस ए रफ आइडिया ऑफ हाउ एंड वेयर ईच प्लैनेट इज प्लेस्ड। ये डायग्राम हमको रफ आइडिया देता है कि कैसे और कहाँ एक प्लैनेट प्लेस है। लेट अस लर्न मोर अबाउट अवर प्लैनेट अर्थ। चलो अब हम हमारे प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए कुछ पढ़ते हैं। अर्थ, द अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ सारे प्लैनेट से अलग है पूरे सोलर सिस्टम में। इट हैज़ वाटर, एयर एंड सॉइल। उसके पास वाटर, एयर और सॉइल है। देयर इज ए ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। मतलब उधर एक ब्लैंकेट है एयर की जो अर्थ के अराउंड, जिसको एटमोसफियर कहते हैं, विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेज ऑफ द सन। जो हमको प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायोलेट रेज से जो सन की होती है हार्मफुल। द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैज़ वेरियस फीचर्स सच एज ओशन, रिवर्स, माउंटेन्स एंड वैलीज। जो अर्थ की सर्फेस है उसके पास बहुत टाइप की फीचर्स है, जैसे ओशन, रिवर, माउंटेन और वैलीज। बट डू यू नो हाउ व्हाट द इनसाइड ऑफ अर्थ लुक्स लाइक। पर आपको पता है कि अर्थ अंदर से कैसा दिखता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का अंदर का स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द अर्थ इज नॉट ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। मतलब साइंटिस्ट के मुताबिक अर्थ वो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, उसके पास अलग अलग डिफरेंट लेयर्स है। दिस लेयर्स आर कॉल्ड द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये लेयर्स को हम बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। द कोर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू द आउटर एंड इनर कोर। कोर है वो दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, आउटर एंड इनर कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वो सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ में। कॉन्टिनेंट एंड ओशन लाई ऑन दिस लेयर। कॉन्टिनेंट और ओशन ये लेयर पे मिलता है। दिस इट्स थिकनेस वेरियस फ्रॉम 5 किलोमीटर अंडर द ओशन फ्लोर टू 70 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट। इसकी जो थिकनेस है वो 5 किलोमीटर है ओशन की फ्लोर तक टू 70 किलोमीटर है कॉन्टिनेंट्स में। इट इज मेड अप रॉक, वो रॉक से बना है। इट कंटेन्स एवरीथिंग दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, इसके पास सारी वो थिंग्स है जो लाइफ के लिए ज़रूरत होती है। मेंटल, इट इज़ मिडल लेयर ऑफ द अर्थ, लेयर बिलो द क्रस्ट।
वो अर्थ की मिडल लेयर है और वो क्रस्ट के नीचे है। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। वो 2900 किलोमीटर थिक है। इट्स अपर पार्ट इज कॉल्ड इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स वेयर एज द लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक। उसका जो अपर पार्ट है वो सॉलिड रॉक से बना है और उसका जो लोअर पार्ट है वो मोल्टन रॉक से बना है। इट इज फॉर्म फ्रॉम हियर दैट मोल्टन मैग्मा कम्स आउट। मतलब यह इधर है कि मोल्टन मैग्मा बाहर आता है जब एक वोल्केनो फटता है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। इसके पास बहुत सारे आयरन और मैग्नीशियम है। कोल, इट इज़ इनर मोस्ट लेयर फॉर्मिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोल वो सबसे अंदर वाली लेयर है जो अर्थ का सेंटर फॉर्म करती है। द आउटर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक। जो आउटर कोर है वो 2300 किलोमीटर थिक है। द इनर कोर इज अबाउट 1200 किलोमीटर थिक। और जो इनर कोर है वो 1200 किलोमीटर थिक है। द आउटर कोर कंटेन्स आयरन एंड निकल इन ए मोल्टन स्टेट। जो आउटर कोर है उसके पास आयरन और निकल होता है मोल्टन स्टेट में। सम सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट। थोड़ा सल्फर भी मिलता है। द इनर कोर इज ए सॉलिड बॉल ऑलमोस्ट एंटायरली मेड ऑफ आयरन। जो इनर कोर है वो सॉलिड बॉल है जो पूरा आयरन से बना है। सन, द सन इज द स्टार दैट इज क्लोजर टू द अर्थ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। जो सन है वो अर्थ से बहुत नज़दीक है। अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे, मतलब वो 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैस। वो एक बड़ा सा बॉल है हॉट का बर्निंग गैस के साथ। द सन हैज़ ए थिन लेयर ऑफ एटमोसफेयर कॉल्ड द कोरोना। सन के पास एक थिन लेयर है एटमोसफेयर की जिसको कोरोना कहते हैं। इट इज़ दिस कोरोना दैट वी समटाइम्स सी ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। जब सोलर इक्लिप्स होता है तब हम लोग कोरोना देख सकते हैं। द स्फेरिकल सन हैज़ ए डायमीटर ऑफ अबाउट 1392,000 किलोमीटर। जो स्फेरिकल सन है उसके पास 1392,000 किलोमीटर का डायमीटर है। द सन इज सो बिग दैट ए मिलियन अर्थ कुड फिट्स इनटू इट। सन इतना बड़ा है कि मिलियन अर्थ उसमें फिट हो सकता है। बट इट इज स्टिल कंसिडर स्मॉल बिकॉज स्टार्स आर यूजुअली मच मच लार्जर। तो भी वो बहुत छोटा माना जाता है क्योंकि स्टार्स उससे बहुत बहुत बड़े हैं। इन फैक्ट द सन इज कॉल्ड ए ड्वार्फ स्टार। और असलियत में सन एक ड्वार्फ स्टार भी कहलाया जाता है। द सन इज मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड ए गैस कॉल्ड हीलियम। सन वो मेनली किससे बना होता है? हाइड्रोजन और एक गैस जिसको हीलियम कहते हैं। एट द सेंटर ऑफ द सन ऑल्सो नोन एज द कोर हाइड्रोजन चेंजेस इन टू हीलियम। मतलब जो सन का सेंटर होता है जिसको कोर भी कहते हैं वो तब हाइड्रोजन वो हीलियम में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस रिलीजेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी टुगेदर कॉल्ड सोलर एनर्जी। और ये प्रोसेस एक बड़ी हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करता है जो सोलर एनर्जी मिलता है। इट इज़ दिस लाइट एंड हीट दैट वी रिसीव ऑन अर्थ। और ये लाइट और हीट जो हम अर्थ पे रिसीव करते हैं। सोलर एनर्जी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन। सोलर एनर्जी वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का जो मैन को चाहिए। इट इज़ ऑलमोस्ट इनऑक्सेसिबल। और ये इनऑक्सेसिबल है। अब इनऑक्सेसिबल का मतलब समटाइम्स सम थिंग्स दैट विल नेवर फिनिश और गेट कम्प्लीटली यूज अप। जो चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो और कम्प्लीटली यूज अप होती है। वेल इट माइट गेट ओवर। चलो अब ये ख़त्म होता है बट नॉट फॉर अनदर सर्वल बिलियंस ईयर्स एट लीस्ट। अभी मून, द मून इज ऑल्सो स्पेरिकल लाइक द सन एंड द प्लैनेट। मून वो भी स्पेरिकल है सन के जैसे और प्लैनेट्स के जैसे। द मून इज मेड अप ऑफ रॉक एंड हैज़ नो एयर ऑन इट। मून रॉक से बना होता है और उसके पास एयर नहीं होती है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट होती है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 384,400 किलोमीटर्स। वो अर्थ से 384,400 किलोमीटर दूर है। द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती। द मून लाइट वी सी इज ऑनली रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो हम रात को मून लाइट देखते हैं वो सनलाइट की रिफ्लेक्टेड होती है। सरफेस ऑफ द मून,
The surface of the moon is dry and dusty and is covered with craters, mountains and valleys. जो मून का सरफेस होता है वो बहुत सूखा dusty और craters, mountains और valleys से कवर होता है. अब craters मतलब खड्डे. Craters are formed when solid bodies are meteorites crash into the moon surface. Craters जब solid bodies जो अर्थ मून पे आके crash होते हैं तब craters होते हैं, जैसे इधर है. The oldest craters were formed millions of years ago. सबसे पुराना craters वो billions of years ago था. There is no air or water on the moon. उधर air or water बिल्कुल नहीं है moon पे. As such no sound can be heard. इसके वजह से sound भी सुनाई नहीं जाता. Since sound needs a medium to travel. क्योंकि sound को medium of travel चाहिए. The moon also have gravity. मून के पास ग्रेविटी होती है विथ विच इट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर, जिससे वो सारी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर पे भेजते हैं. द ग्रेविटी ऑफ मून इज अबाउट 1/6 द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. जो मून की ग्रेविटी होती है वो अबाउट 1/6 होती है अर्थ की ग्रेविटी से. फेसेस ऑफ द मून. व्हेन द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट्स शेप्स अपीयर टू चेंज डे बाय डे. जब मून अर्थ के आजू बाजू घूमता है तो उसके जो शेप्स होते हैं वो डे बाय डे चेंज होते हैं. द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेसेस ऑफ मून. जो चेंजिंग शेप्स होते हैं मून को उसको फेसेस ऑफ मून कहते हैं. सही इधर है. लैंडिंग ऑन मून. इट इज लॉन्ग वे इंडिड टू द मून बट मैन हैज मेड दैट हिस्टोरिकल ट्रिप. वो बहुत दूर होता है मून पे जाना, पर मैन ने एक हिस्टोरिकल ट्रिप बनाई है उधर जाने की. द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून वॉज द क्रू ऑफ अमेरिकन स्पेस मिशन अपोलो 11. जो पहला पर्सन जो मून पे गया था अमेरिकन स्पेस मिशन से वो अपोलो 11 में. इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द कैनेडा स्पेस सेंटर एट फ्लोरिडा ऑन जुलाई 1969. और वो कैनेडा स्पेस सेंटर एट फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ था 16 जुलाई 1969 में. द रॉकेट दैट कैरीड इट इन टू स्पेस वॉज सैटर्न 5. जो रॉकेट उनको स्पेस में ले गया था वो सैटर्न 5 था. अपोलो 11 कैरीड 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एविडिन अल्ड्रिन एंड मैकेनिकल कॉलिंस. जो अपोलो 11 तीन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को ले गया था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, एविडिन अल्ड्रिन थे और मैकेनिकल कॉलिंस थे. Armstrong was the first to step out and thus became the first man to set foot on the moon on July 20, 1969. Armstrong वो सबसे पहला पर्सन था जिसने मून पर पैर रखा और वो फर्स्ट मैन था जिसने मून पर पैर रखा और July 20, 1969. He and Aldrin stayed for 2.5 hours on the moon and collected rock samples to bring back to the earth. वो और Aldrin वो उधर 2 और आधा घंटा उधर रुके थे और उनने रॉक सैम्पल्स भी कलेक्ट किए अर्थ पर आने के लिए, अर्थ पे लाए. दिस रॉक्स हैव गिवन साइंटिस्ट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मून. ये रॉक्स ने साइंटिस्ट को एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी मून के लिए. Aldrin footprint on moon. As the moon has no air or wind, the astronaut's footprints will remain there forever. वहाँ पर और मून पर एयर नहीं है और विंड नहीं है, जिसके वजह से एस्ट्रोनॉट के फुटप्रिंट्स अभी तक उधर है. After Apollo 11, many more missions have gone to the moon and elsewhere in space. Apollo 11 के बाद बहुत सारे missions मून पे गए और स्पेस में भी गए. Some have been manned that is had screw in them. और बहुत सारे में मैन गए थे और कुछ में मैन नहीं गए थे जो मून पे लैंड ऑन मून एंड ब्रिंग बैक इंफॉर्मेशन थ्रू फोटोग्राफ्स एंड सो ऑन. और कुछ फोटोग्राफ्स और इंफॉर्मेशन लाए थे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द अर्थ. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो मैन मेड ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के ऑर्बिट पर होता है. इन ऑर्डर टू लॉन्च सैटेलाइट्स इनटू स्पेस वी नीड टू ओवरकम द अर्थ्स ग्रेविटी. और हमको
सैटेलाइट्स लॉन्च करनी हो स्पेस में तो हमको अर्थ की ग्रेविटी जाननी पड़ती है. दिस इज अचीव बाय लॉन्चिंग सैटेलाइट्स विथ पावरफुल रॉकेट्स. सो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं वो पावरफुल रॉकेट से करते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स ईच डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन. बहुत सारी टाइप्स की सैटेलाइट्स है और सारी एक स्पेसिफिक पर्पस डिज़ाइन करती है. कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंड सिग्नल्स फॉर टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम्स एंड टेलीफोन कॉल्स. कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है वो सिग्नल्स भेजती है टीवी के लिए और रेडियो प्रोग्राम्स और टेलीफोन कॉल्स के लिए. नेविगेशन सैटेलाइट हेल्प शिप एंड एयरक्राफ्ट फाइंड देयर वे. नेविगेशन सैटेलाइट शिप्स और एयरक्राफ्ट को हेल्प करते हैं उनका वे फाइंड आउट करने में. एस्ट्रोनॉमिक सैटेलाइट्स कैरी टेलीस्कोप इन टू स्पेस एंड वेदर सैटेलाइट्स हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग. जो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स वो टेलीस्कोप कैरी करती है स्पेस में और वेदर सैटेलाइट्स वो वेदर जानने के लिए हेल्प करती है. ग्राउंड स्टेशन ऑन अर्थ सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम दिस सैटेलाइट्स. ग्राउंड स्टेशन होता है अर्थ पर वो सेंड और रिसीव करते हैं सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम दिस सैटेलाइट्स से. इक्लिप्स. टू बी इक्लिप्स्ड मीन्स टू बी हिडन. इक्लिप्स मतलब हिडन. समटाइम्स द सन मून एंड अर्थ कम्स इन टू ए पोजिशन एज दो देर आर ऑल इन स्ट्रेट लाइन. कभी कभी मून सन और अर्थ एक स्ट्रेट पोजिशन में आ जाते हैं. एट टाइम्स द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन एंड द अदर टाइम्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. कभी कभी मून होता है वो सन कभी कभी अर्थ मून और सन के बीच में आ जाता है और कभी कभी मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. एट सच टाइम्स ही द सेलेस्टियल बॉडी इन द मिडल कास्ट ए शैडो. और कभी कभी जो सेलेस्टियल बॉडी होता है मिडल में वो शैडो कास्ट करती है. विच पार्टिकल यू आर होली हाइड्स द अदर सेलेस्टियल बॉडी फ्रॉम द सन. जो होली और पार्टिकली सेलेस्टियल बॉडी को हाइड करती है सन से. This is called an eclipse. इसको eclipse कहते हैं. Lunar eclipse. When the earth comes between the sun and the moon, it blocks a lot of the sunlight from reaching the moon and creates a shadow. जब earth sun और moon के बीच में आता है तो वो बहुत सारी जगह sunlight से moon तक आने के लिए block कर देता है और एक shadow create करता है. This is called an eclipse of the moon or lunar eclipse. और इसको मून की इक्लिप्स कहते हैं और लूनर इक्लिप्स कहते हैं. द अर्थ शैडो हैज़ टू पार्ट्स. वन वेयर द अर्थ टोटली ब्लॉक्स द सनलाइट द उम्ब्रा एंड द अदर वेयर द अर्थ ब्लॉक्स ए पार्ट ऑफ द सनलाइट द पैनोब्रा. अर्थ की दो शैडो होती है. एक जो अर्थ को टोटली ब्लॉक कर देती है सनलाइट से आने के लिए वो उम्ब्रा और जो अर्थ को ब्लॉक्स करती है सनलाइट को पार्ट करने में तो पैनोब्रा. लूनर इक्लिप्स में भी पार्टियल और टोटल. लूनर इक्लिप्स पार्टियल और टोटल होती है. ड्यूरिंग ए पार्टियल लूनर इक्लिप्स ओनली ए पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन. जब पार्टियल लूनर इक्लिप्स होता है तब थोड़ा सा ही पार्ट मून का दिखाई देता है. ड्यूरिंग ए टोटल लूनर इक्लिप्स द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल. जब टोटल लूनर इक्लिप्स होता है तब मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता. जैसे ये डायग्राम में है. Solar eclipse. When the moon comes between the earth and the sun, it blocks some part of the sun and creates a shadow. जब moon earth और sun के बीच में आता है तो वो blocks its some parts. वो sun के some parts block कर लेता है, एक shadow create करता है. The sun looks as though it has a disk in front of it. जो sun तब वो create करता है कि उसके सामने एक disk है. That creates a shadow. जो एक shadow create करता है और उसको solar eclipse कहते हैं. Solar eclipse में भी partial और total. Solar eclipse partial और total होती है. During a partial solar eclipse, a part of the sun can be seen. जब partial solar eclipse होता है तो थोड़ा सा ही moon, थोड़ा सा ही sun दिखता है. During a total solar eclipse, the sun cannot be seen at all. जब total solar eclipse होता है तब sun दिखता ही नहीं है. द मून शैडो ऑल्सो हैज़ टू पार्ट्स द उब्रा एंड द पैनोब्रा. मून की शैडो के भी दो पार्ट्स है, एक उम्ब्रा और एक पैनोब्रा. द रीजन ऑन अर्थ वेयर उम्ब्रा फॉल्स विल हैव ए टोटल सोलर इक्लिप्स. जब अर्थ पे उम्ब्रा गिरती है तो उधर पूरा सोलर इक्लिप्स होता है. द रीजन व्हेन पैनोब्रा फॉल्स विल हैव ए पार्शियल सोलर इक्लिप्स.
जब पैन उबला गिरती है तो उधर पार्टी और सोलर इक्लिप्स होता है। सोलर इक्लिप्स आर ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, अ फ्यू मिनट्स और सो। सोलर इक्लिप्स होता है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए दिखते हैं और बहुत कम मिनट्स के लिए, जैसे इधर है। इंडिया मिशन टू द मून। द चंद्रयान 1 मिशन इज इंडिया फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू बी सेंट ऑन द मून। चंद्रयान 1 वो सबसे पहला मिशन था जो इंडिया के फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट को मून पर ले गया था। इट वॉज लॉन्च बाय इंडिया नेशनल स्पेस एनजीओ द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ऑन 22 अक्टूबर 2008। वो लॉन्च की गई थी इंडिया नेशनल स्पेस एनजीओ से, जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसका शॉर्ट फॉर्म ISRO है, जो 22 अक्टूबर 2008 को की गई थी फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई थी, और श्रीराष्ट्रो आंध्र प्रदेश, और श्रीराष्ट्रो से आंध्र प्रदेश। द एम ऑफ द मिशन वॉज टू मैप द मून सर्फेस इन हाई रिजोल्यूशन एंड ऑल्सो गेट मोर डिटेल्स ऑफ द मून। उनका एम था वो मिशन का कि वो मून का सरफेस मैप में ला सके और उनको बहुत सारी डिटेल्स मिल सके मून की। कीवर्ड्स: क्रस्ट, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको क्रस्ट कहते हैं। मेंटल, द मिडल लेयर और द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेटल। जो मिडल लेयर और क्रस्ट के नीचे होते हैं उसको मेंटल कहते हैं। कोर, द इनर मोस्ट लेयर फॉर्मिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर। जो इनर मोस्ट लेयर होती है जो अर्थ का सेंटर मिलती है उसको कहते हैं कोर। ओजोन लेयर, और लेयर इन द अर्थ एटमोसफेयर कंटेनिंग ए गैस कॉल्ड ओजोन इन कॉल्ड द ओजोन लेयर। जो अर्थ का एटमोसफियर होता है जो गैस कंटेन करता है जिसको ओजोन कहते हैं, और ओजोन लेयर कहते हैं। सैटेलाइट, और सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स ए प्लैनेट इज कॉल्ड द सैटेलाइट। एक सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के ऑर्बिट पे होती है उसको सैटेलाइट कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो मैनमेड सैटेलाइट होते हैं उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। लूनर इक्लिप्स, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून इट ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून एंड क्रिएट्स अ शैडो। जब अर्थ सन और मून के बीच में आता है तो वो सनलाइट को मून से आने तक रोक देता है और एक शैडो क्रिएट करता है, उसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। सोलर इक्लिप्स, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन इट ब्लॉक्स सम पार्ट ऑफ द सन। जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है तो वो थोड़ा सा सन का पार्ट ब्लॉक कर देता है, उसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। समरी, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सन और सेलेस्टियल बॉडी जो उसके आसपास घूमते हैं उसको सोलर सिस्टम बनता है। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थ के पास तीन लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैस। सन वो बड़ा सा बॉल होता है हॉट बर्निंग गैस का। The moon is the natural satellite of the earth. Moon natural satellite है earth का। There are many artificial satellites sent by man to space. There बहुत सारे artificial satellites है जो man से भेजे गए space पर। This helps us in communication, navigation and weather forecasting. ये हमको communication, navigation और weather forecasting में help करता है। और lunar eclipse happen when the earth comes between the sun and the moon. लूनर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ सन और मून के बीच में आता है। सोलर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।